हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल द होम किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी विद दिस यूनिक स्टाइल ऑफ होममेड पाव। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस मजेदार स्टाइल में पाव सर्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑल द वेजीज जो आज हम यूज करेंगे भाजी बनाने के लिए। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 बड़े आलू जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। देन 1 बड़ा गोभी का फूल ले लेंगे, इसे भी हम रफली चॉप कर लेंगे। उसके बाद लेंगे 1 गाजर जिसे पील करके हम चॉप कर लेंगे। देन यहाँ पर मैंने लिया है थोड़े से मटर। देन मैं ले रही हूँ 1/2 बीटरूट जिसे मैंने पील करके चॉप कर लिया है। बीटरूट से भाजी में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। देन मैं ले रही हूँ 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने एकदम फाइन चॉप किया है। उसके बाद ले लेंगे 3 बड़े प्याज, इसे भी फाइनली चॉप करेंगे। 3 टमाटर ले लेंगे, इसे मैंने रफली चॉप किया है, इसकी मैं प्योरे बनाऊंगी। उसके बाद मैंने लिया है 2 से 3 हरी मिर्च, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा और मैं ले रही हूँ 3 से 4 लहसुन की कलियां। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकर ले रही हूँ और कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ वेजीज। सो फ्रेंड्स, ये सारी वेजीज को हम प्रेशर कुक करेंगे, इसलिए मैंने इसे रफली चॉप किया है। फ्रेंड्स, वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ और वेजीज भी ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ कम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब कुकर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि सब्जियां अच्छे से कुक हो जाएं। और मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। वाटर हमें बहुत कम ही ऐड करना है। कुकर का ढक्कन लगाकर हम 3 से 4 व्हिसल ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ये सब्जियां कुक हो रही है, मैं यहाँ पर रेडी करने वाली हूँ हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये होममेड हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट मैं कूट कर बना रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक ताकि इसका पेस्ट बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अब हम तीनों चीजों को एक साथ में कूट लेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया है होममेड हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी। और यहाँ पर वेजीज भी अच्छे से कुक हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ी देर वेट करने के बाद जब कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा तब हम कुकर को ओपन कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं। मैं यहाँ पर मैशर ले रही हूँ। मैशर की हेल्प से हम सारी वेजीज को अच्छे से मैश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने वेजीज को अच्छे से मैश कर लिया है। एंड जैसा कि हमने वेजीज को कुक करते टाइम पानी इसमें एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में ऐड किया था, तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है। तो चलिए अब भाजी बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 क्यूब्स बटर। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। फ्रेंड्स, ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। और जीरा अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ होममेड ग्रीन चिली अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे एंड फिर इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज एंड शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को हम अच्छे से सॉटे करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि प्याज एकदम अच्छे से सॉफ्ट एंड ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। इसे आप बीच बीच में स्टर करते रहें। तो फ्रेंड्स, इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स आप देख सकते हैं ओनियन अच्छे से कुक हो गई है, शिमला मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है।
अब पैन में मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्योरे। जो टमाटर मैंने चॉप किए थे उससे मैंने प्योरे बना लिया था। तो फ्रेंड्स, टमाटर को प्योरे करके मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, उससे भाजी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर बहुत ही सही आता है। आप टमाटर को फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर द टेस्ट। सो फ्रेंड्स, टमाटर की प्योरे को तेल छूटने तक हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, टोमेटो प्योरे अच्छे से कुक हो गया है, इसमें से ऑयल भी छूट गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/3 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला पाउडर। सारे मसालों को डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे कुक होने देंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। सो फ्रेंड्स, इन अ फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है एंड मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ प्रेशर कुक वेजीज, जिसे हमने अच्छे से मैश कर लिया था। वेजीज ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। मैं सारी वेजीज को एक बार और मैशर की हेल्प से साथ में मैश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, भाजी को हम थोड़ी देर और पकने देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ऑल्सो फ्रेंड्स, भाजी में मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। इसे आप अच्छा सा कलर देने के लिए बीटरूट और गाजर का यूज करें। और थोड़ी देर कुक करने के बाद भाजी एकदम तैयार है। भाजी में हम ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स अच्छे से चॉप करके। ऑल्सो इसे मैं टॉप कर रही हूँ विद अ क्यूब ऑफ बटर। सो फ्रेंड्स, आवर भाजी इज रेडी टू सर्व। भाजी को मैंने यहाँ पर एक बोल में सर्व कर लिया है एंड भाजी के ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ अ क्यूब ऑफ बटर। सो फ्रेंड्स, भाजी में मक्खन बहुत ही अच्छा लगता है एंड सम कोरिएंडर लीव्स। सो फ्रेंड्स, आवर भाजी इज रेडी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस भाजी को मैं सर्व करने वाली हूँ विद द होममेड लादी पाव इन अ यूनिक स्टाइल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस यूनिक स्टाइल में पाव बनाना चाहते हैं, वो भी घर पर, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो उसके लिए सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं नेक्स्ट रेसिपी अपलोड करूंगी। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। I will see you soon in the next video. Till then, goodbye.